नाजरी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बन के साथ, सावरडो बन है इसके साथ मिनी पिज़्ज़ा, और ये जो फ्रेंच ब्रेड है इसके साथ हम बनाएंगे क्रस्टीनी। ठीक है, अब हम बताते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये चिकन कीमा है, ये 1 पाउंड कीमा है, लहसुन अदरक पेस्ट है 2 चमचे, एक बड़ी बेल पेपर है रेड वाली चॉप, एक छोटी आनियन है चॉप, ग्रीन बेल पेपर बड़ी है चॉप, 3 जो है हैलोपिनो है वो भी चॉप है, चीज़, 2 बन, 1 ब्रेड, और ये देखें ये है सीजनिंग, इटालियन सीजनिंग, और ये है ओरिगानो, इसमें मक्खन है जो हम ब्रेड पर लगाएंगे, और केचप है, और क्रश पेपर जाएगा, और नमक। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब हम पहले मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे। ये सावर डो बंद है, इसको हम काट लेंगे। आपकी नाइफ जो है थोड़ी शार्प होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल इक्वल कटे। ठीक है, ये देखें, और ये है एहतियात से काटिएगा, ये ना कि आपका हाथ ही कट जाए। ये देखें, ये इस तरह खुल गई। अब हम इस पर पहले सबसे पहले इस पर बटर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इस पर बटर लगा रहे हैं, और बटर ज़रा अच्छा लगाइएगा ताकि ये सॉफ्ट बने, क्योंकि ये फ्रेंच ब्रेड है थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है ना, तो जब हम इसको बेक करेंगे तो ये और सख्त हो जाएगी, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा बटर लगाते हैं, लेकिन हम ज़रा अच्छा सा बटर लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम ये दोनों पे लगा लेंगे मक्खन। ये देंगे, ये बन पे भी आप इसी तरह लगाएं मक्खन। मक्खन अच्छा लगाइए क्योंकि अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब हम इसका बैटर बना रहे हैं, जो हम बनाएंगे उसमें इतना ऑयल वगैरह तो होगा नहीं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना मक्खन जा रहा है। ये देखें, मैंने इसमें 2 टीस्पून वो डाले हैं ऑयल, डाला ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक पेस्ट डाल देंगे फौरन। लहसुन अदरक पेस्ट डाला है हमने, और साथ ही इसके कीमा भी डाल देंगे। ठीक है, इसको ज़रा अच्छी तरह से हम भूनेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें ज़रा, कीमा अब जो है वाइट हो गया है, इसका मतलब है ये तकरीबन तैयार है। अब इसके अंदर हम ओरिगानो डालूंगी मैं, तकरीबन ये आधी टीस्पून डालूंगी। ठीक है, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मुझे अंदाज़ा है कि आधी टीस्पून कितनी है, लेकिन आप नाप के डालिएगा। और ये जो है इटालियन सीजनिंग है, इसको भी, ये इटालियन सीजनिंग है, इसको भी आधी टीस्पून डालेंगे, क्योंकि इसका अरोमा बहुत अच्छा निकल के आता है जब आप खाएंगे। और ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो इसी की खुशबू आएगी हर वक्त। ये डाल दिया हमने, अब इसमें मैं नमक डालूँगी, नमक भी एक चम्मच या उससे कम कर ले आप। ठीक है, ये बहुत है नमक। और अब ये सारी चीज़ें मैं डालना शुरू कर रही हूँ। ये है ग्रीन बेल पेपर। ठीक है, ये है एक छोटी आनियन चॉप करी हुई, और ये रेड बेल पेपर, ये भी एक है पूरी, और ये हैलोपिनो है कटी हुई। हैलोपिनो जो डालते हैं उसको इसलिए डालते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये थोड़ा स्पाइसी होता है, मज़े का लगता है मुँह में, जब आप इसका बाइट आएगा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें डालूंगी। अच्छा, ये देखें,
ज़्यादा सब्जियाँ नहीं गली हैं, थोड़ी ये खड़ी खड़ी हैं, ये हल्की हल्की हमने शैलो फ्राई टाइप की हैं। इसमें अभी पानी है थोड़ा सा, लेकिन कोई मसला नहीं। अभी इसमें हम केचप डालेंगे। ये तकरीबन आपको ये प्याली जो है इसके हिसाब से ये पौना मतलब ये यहाँ तक होनी चाहिए भरी हुई, ठीक है। ये देखें इसमें केचप डाला है हमने, तो ये थोड़ा लिक्विडी हो गया है। इसको हमें हल्का सा लिक्विडी ही रखना है, क्योंकि ये हम बन के ऊपर लगाएंगे और फ्रेंच ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, सही है। अब थोड़ी सी इसके अंदर मैं क्रश पेपर डालूंगी, ताकि ये ज़रा स्पाइसी आए, अच्छा इसका मज़ा आएगा निकल के। ये मुझे केचप कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि केचप थोड़ा सा स्वीट होता है, तो वो स्वीट स्वीट बनेंगे, इसलिए हम थोड़ी इसमें क्रश पेपर डालेंगे। और हम मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप मोज़रेला डालें, आपकी मर्ज़ी, अगर कोई और अच्छी लगे आपको तो वो भी डालें। ये तकरीबन 2 चमचे क्रश पेपर है, ठीक है। आप मेरी तरह मत डालिएगा, क्योंकि मुझे तो पता है ये 2 चमचे हैं, लेकिन आप नाप कर ही डालिएगा। चले अब आपको बता, ये देखें ये इसके जो आप इतना लूज़ होना चाहिए, ज़्यादा सुखाना नहीं तो ये बिखर जाएगा, ठीक है। अब ये तैयार है, इसको अब हम ब्रेड पर लगाएंगे। देखें ये अच्छा ही तैयार हो गया, और अब हम इसको इस पर हमने मक्खन पहले से लगाया हुआ था ब्रेड के ऊपर, अब हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। पहले इसके एजेस पूरे करें, भरें, क्योंकि अब बाइट लेते हैं आप तो खाली ब्रेड मुंह में आती है, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो चीज़ उसको अच्छी तरह फिल करना चाहिए, ताकि पहले बाइट में आपको जायका आए, ठीक है। इस तरह हम पूरी ब्रेड भर लेंगे। अच्छा ये देखें ये पूरी फुल हो गई, ये वाली ब्रेड सही तरह से इसको मैंने लगाया है। आप अच्छा डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में, ये नहीं कि आप थोड़ा सा डाल के इसको ऐसा बखेर दें, अच्छा डालिए। अच्छा अब ये बंद देखें, इस बंद के ऊपर मैं लगाऊंगी, इस पर भी मक्खन लगाया हुआ था हमने। आप पहले से मक्खन वगैरह लगा के रख लीजिए, ताकि आपको आसानी से काम करें। और ये कीमा थोड़ा सा लिक्विडी है, इसलिए कि इसका जितने भी जूस है वो सारा अंदर चला जाएगा, तो उससे ब्रेड जो है आपकी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। जी अब ये मोज़रेला और पेपर जैक मैंने करके शेडर करिए घर में, और इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपको और स्पाइसी खाना है तो ये जो सॉरी थोड़ी सी इसमें क्रश पेपर मिला लें, तो ज़बरदस्त सा मज़ा आएगा इसको खाने में, ठीक है। ये इस तरह से आप मिक्स करें और डालना शुरू करें। देखिए जी ये चारों ये बन और ये ब्रेड ये तैयार है। अब मैं इसको ब्रॉयल पर डालूंगी तकरीबन 5 से 8 मिनट, ये बिल्कुल क्योंकि ये पकी हुई है, सिर्फ हमको चीज़ मेल्ट करनी है। चलिए अब हम इसको ब्रॉयल पर डालेंगे 5 से 8 मिनट। अच्छा देखें ये 4 मिनट भी पूरे नहीं लगे, तकरीबन 4 मिनट लगे, 5 मिनट नहीं लगे, क्योंकि हमने 5 मिनट के लिए ब्रॉयल पर डाला होता, सिर्फ हमको इसका इंतज़ार होता है कि ये चीज़ इसकी मेल्ट हो जाए, तो चीज़ मेल्ट हो गई क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई ऑलरेडी, ठीक है। जब ये ज़रा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके स्लाइस कर लेंगे और ये हम एज इट इज ऐसे ही सर्व करेंगे। जी देखें ये हमारे तैयार हो गए क्रिस्टिनी, ये क्रिस्टिनी है, ये मिनी पिज़्ज़ा है, और ये चीज़ जो है बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, स्पेशली बहुत अच्छी है। आप बच्चों को खिलाएं, अगर खाना ना खा रहे हैं तो आप ये बना के दे सकते हैं, खुशी खुशी खाएंगे। आप उनको लंच में दें, आप ख़ुद भी लंच में लेके जाएं, अपने घर में जो भी जॉब करता है उसको लंच में दें, आपको ये रेसिपी। अच्छा दूसरी बात ये है कि कीमा ये आप बना के फ्रिज में रख लें, बहुत सारा किसी भी कंटेनर में सेव कर लें, 1 हफ्ते तक चलता है वो, जब आपका दिल चाहे आप निकालें, मक्खन लगाएँ और इसको बना के बच्चों को खिलाएँ, खुद खाएँ, रिश्तेदारों को खिलाएँ, चाय के साथ पेश करें, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मशवरा है तो मुझे ज़रूर दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।